जो गेट है वो मेन गेट नहीं है, उसके अपोजिट में यहाँ से जाओगे तो एक मेन गेट आएगा और यहाँ से आप बाहर आ सकते हो। आप देख सकते हो कितना प्राचीन काल का मंदिर है ये। ऑल राइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग शिव मंदिर जाने वाले अंबरनाथ का, जो मैं अंबरनाथ स्टेशन पे हूँ अभी। यहाँ से हम लोग शिव मंदिर जाने वाले, यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब फेमस मंदिर है, तो मैं आपको बताऊँगा कैसा जाते हैं कैसा नहीं पूरा रास्ता। सो लेट्स बिगिन। कन्फ्यूजिंग स्टेशन है, मेरे को भी नहीं पता यहाँ से जाने का यहाँ से आने का है। चलो चलते, कहीं ना कहीं तो रास्ता निकल ही जाएगा। से बाहर निकले, यहाँ से देखते रिक्शा मिलती है क्या नहीं। यहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगी, यहाँ से 20 रुपये लेते। तो गाइस, आपको 20 रुपये लेके इन लोग वहाँ पे छोड़ देगा पीछे, वहाँ से आपको चल के आके, ये देखो इधर शिव मंदिर है, यहीं पे जाना है हमको। ये एंट्रेंस है मंदिर का, ये एंट्री गेट है, यहाँ से जैसे आप वैसे शिव मंदिर यहाँ पे। अंदर का पूरा सिनेमेटिक शूट करके आपको बताता हूँ। You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid. देख सकते हैं स्टोन में मतलब कितने अच्छी तरीके से डिजाइन बना हुआ है। You think I fall just like a guillotine. But I am here to stay. Won't look away. The storm is coming. So you better start running. ये शायद से एंट्री गेट है, एंट्री गेट है। और इधर इसके सामने यहाँ पे गणपति बाप्पा का भी मंदिर है, शिवलिंग। क्या से एंट्री गेट है, सॉरी वाला एंट्री गेट नहीं था, ये एंट्री गेट है। चलते हैं अंदर। आप देख सकते हो कितना प्राचीन काल का मंदिर है ये। तो आप देख सकते हो स्टोन को यूज करके मतलब अलग अलग स्कल्पचर बना हुआ है, मतलब पुराने जमाने के आर्किटेक्चर लोग आप देख सकते हो। ये शायद से पता नहीं मुझे भी क्या है, बट अलग अलग तरह के स्कल्पचर है सब, हर एक मतलब लेयर में अलग अलग स्कल्पचर है यार। ऐसा देखो हर एक इधर स्कल्पचर बने हुए अलग अलग। आप लोग देख सकते हो पूरा मंदिर का एरिया इधर, और मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगा एक बार ज़रूर आओ। अंबरनाथ स्टेशन से ऑटो लेके 20 रुपये लेते हैं उन लोग, 10 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाओगे। वॉकिंग डिस्टेंस अगर देखोगे तो 20 से 25 मिनट है, बट रिक्शा से आओ 20 रुपये लगेगा। और मंदिर अगर आप आओगे तो बहुत मस्त मंदिर एकदम, मतलब आप देख सकते हो मंदिर कितना ब्यूटीफुल है, बहुत पुराना मंदिर माना जाता है। अभी भी मतलब यही सोचना पड़ रहा है कि मतलब कोई मतलब पुराने ज़माने के आर्किटेक्चर लोग जो है मतलब क्या लोग रह गए यार उन लोग सी। आप देख सकते हो मतलब हर एक पत्थर में यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ स्कल्पचर्स बना हुआ है अलग अलग, हर एक की जो लेयर है उसमें एक स्कल्पचर्स है। पूरा मंदिर का एरिया है,
पब्लिक फोटो खिंचा रही है, लोग रील्स बना रहे हैं। गाइस जाने का टाइम हो गया है। एक बार फिर से देख लो मंदिर का पूरा एरिया कितना शांत शांत है एकदम। यहाँ से हम लोग एंट्री किए थे और यहाँ पे मंदिर के दर्शन। ये जो गेट है वो मेन गेट नहीं है, उसके अपोजिट में यहाँ से जाओगे तो एक मेन गेट आएगा और यहाँ से आप बाहर आ सकते हो। सो ये पूरा शिव मंदिर अंबरनाथ का मंदिर का एरिया है पूरा। गाऊं क्या तेरा गुणगान बाबा तू मेरी मुस्कान। सो गाइस यहाँ से वापस जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, आप देख सकते हो कितना मतलब पीस वाला एरिया, फुल शांति है इधर। आप देख सकते हो उधर मंदिर है और मतलब पूरा एकदम शांति वाला एरिया है। जो लोग यहाँ पे रहते रहेंगे उन लोग मतलब कितने लकी रहते रहेंगे, बट ठीक है अपने को भी जाना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। बोले बस तू साथ रहिए, दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं होती।